ये लेडीज ना लेडीज 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 को क्या आना आगे थोड़ा लेडीज तो थोड़ा जितने थोड़ा मिनट करो कैंटीन सुनाओ ऊपर कर ऊपर करिए कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस लॉ डिपार्टमेंट होश में आओ लॉ डिपार्टमेंट होश में आओ वी वांट जस्टिस वी वांट ऑर्गेनिज्म वी वांट ऑर्गेनिज्म वी वांट ऑर्गेनिज्म कश्मीर यूनिवर्सिटी होश में आओ कश्मीर यूनिवर्सिटी होश में आओ सेव आवर फ्यूचर सेव आवर फ्यूचर सेव आवर फ्यूचर फ्यूचर बोलन भाई जी हम स्टूडेंट ऑफ लॉ स्कूल ऑफ लॉ के हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्जाम है ऑनलाइन मोड में हो जाए। वो क्यों हो जाए? क्योंकि जब हमारी क्लास की बात आती है, ऑफलाइन क्लास की बात है, तब किसी को अलाउ नहीं किया कि जब तक ना दोनों डोजेस हो वैक्सीनेशन के। और यहाँ अभी स्टूडेंट्स स्टिल जो है जिनका सिंगल डोज है और उसकी गैप आपको पता है कि 84 डेज होती है। मेरा खुद का या जो हमारे सीआर है जो बाकी स्टूडेंट्स उनका जनवरी के बाद में आता है सेकेंड डोज। जब इन्होंने हमने ऑफलाइन एग्जाम में अलाउ नहीं किया तो अब कैसे वो एग्जाम ऑफलाइन कर सकते? ऑफलाइन क्लास में जब हमने मैंने खुद देखा है उन्होंने हमें ऑफलाइन क्लासेस में अलाउ नहीं किया जिन्होंने दो दो डोजेस नहीं किए हैं, तो ऑफलाइन एग्जाम हम क्यों करेंगे सर? हमें इस बात का जवाब दीजिए। अब हम अपील करना चाहेंगे टू द गवर्नर एंड वी अपील आल्सो टू द लॉ डिपार्टमेंट। सर प्लीज हमारी मांगे पूरी कीजिए। हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इनको हमारी बात माननी ही पड़ेगी और इस वजह से हम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हम बीमार हो रहे जा रहे हैं लेकिन ये हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। ये हमें ना चाह रहे हैं यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। ये क्या बात है? प्रोटेस्ट करने ये क्या बात हुई? आज हम यहाँ नहीं होते सर, हम स्ट्रीट्स पे हम यहाँ नहीं होते हैं आज। हेलो जी जी, वी ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, वी ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। पोस्टर ऊपर करो, सर अपना नाम बताइए और आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बताइए। जी सर, मेरा नाम माजिद है, आई एम फ्रॉम अनंतनाग। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ एंड ऑल्सो फ्रॉम एफिलेटेड कॉलेजेस। हमारा प्रोटेस्ट आज इसलिए है कि हमारे क्लासेस जो फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के बी एल एल वी के हुए हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं, लेकिन फिर लास्ट मंथ में हमारे क्लासेस ऑफलाइन हुए। उस दिन हमें खाली उन बच्चों को अलाउ किया गया जिनका दूसरा डोज वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन हमारा खाली एक के दो बच्चों का वैक्सीन डबल डोज वैक्सीन हुआ था, बाकी सिंगल डोज थे, तो उन बच्चों को अलाउ नहीं किया गया। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया ऑफलाइन क्लासेस में। तो अब हमारा एक पैटर्न हुआ करता था एग्जाम का, जो ऑनलाइन क्लासेस होते थे उसका एक अपना पैटर्न हुआ करता था। तो रिसेंटली हमारा डेट शीट आया और पैटर्न भी नया आया। इस समय उन्होंने जो डेट शीट निकाला है उसमें हमें बोला गया था, अब हमने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी थी कि आपका डेट शीट जो होगा उसमें आपको बाजाबता तौर आपको टाइम मिलेगा आपको जो मतलब पढ़ने के लिए आपको ये प्रिपेयर होने के लिए, लेकिन ना तो हमें टाइम दिया गया और एकदम से यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं इसे पैटर्न है। जी सर, हमारे डिमांड वो नहीं है। हम कह रहे हैं अगर हमारे ऑनलाइन क्लासेस हुए तो ऑनलाइन एग्जाम करो, अगर आपके पास ऑनलाइन एग्जाम ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं करने थे। क्योंकि अगर आप वाकई में हमारे तब सिचुएशन तो अलग थी, अभी इस वक्त दूसरी नहीं। नहीं, अगर हम सिचुएशन देखें तो आज तो फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। या तो यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो स्टूडेंट्स की लाइफ मैटर करती है। हमारी डिमांड है हमारा एग्जाम
ऑनलाइन होना चाहिए, हमें टाइम मिलना चाहिए, प्रेपरेशन मिलना चाहिए हमें एग्जाम के लिए। अगर हमें नहीं मिला तो थर्सडे के दिन हम गवर्नर हाउस के बाहर हंगर स्ट्राइक करेंगे, तब तक ये हंगर स्ट्राइक होगी जब हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी। वहाँ पे क्या होगा उसकी जिम्मेवार डिपार्टमेंट होगा और उसकी जिम्मेवार यहाँ की इंतजामिया होगी। थैंक यू।